की अध्यक्षता में लोकभवन में कैबिनेट की बैठक की जाएगी। कैबिनेट बैठक में प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। लखनऊ में राजभवन के सामने युवक की हत्या के मामले में आरोपी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। हत्या लूट के बाद आरोपी भागता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने पहचान करने वालों को 50,000 का इनाम देने की घोषणा की। लखनऊ में एक होटल में बिरयानी में मरी हुई छिपकली निकलने से हड़प मच गया। वही होटल मालिक मामला रफा दफा करने में जुटा हुआ है। सहारनपुर में चेकिंग के दौरान देवबंद पुलिस के हत्थे दो वाहन चोर चढ़ गए। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के पास से पुलिस ने चोरी के 7 वाहन बरामद किए। मुरादाबाद के पाकबाड़ा में मनपसंद खाना न मिलने पर नरछेड़ी बाप ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से बेटे को गोली मार दी। गंभीर घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार है। मुरादाबाद के मझोला इलाके में एक घोड़ा तांगा बिना चालक के काफी दूर तक दौड़ता रहा। तांगे के पीछे चल रहे दो युवकों ने भागते घोड़े का वीडियो बनाया। मुरादाबाद के कुंदरकी इलाके में रंजिश के चलते दबंगों ने घर में घुसकर प्रधान को पीट दिया। दबंगों ने प्रधान के कार्यालय में भी जमकर तोड़फोड़ की। मारपीट में घायल हुए दो लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बुलंदशहर के खुर्जा नगर में किराना स्टोर में भीषण आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोंडा के करनैलगंज को जाने वाली रोड पर गश्त कर रही पुलिस ने सड़क किनारे पेड़ के नीचे दबे दो बाइक सवारों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। सहारनपुर के मुजफ्फरनगर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बांस से भरी एक ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल हुए ड्राइवर को केबिन तोड़कर बाहर निकाला। गोरखपुर रेलवे ने हर साल की तरह इस साल भी बाबा धाम जाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई है, लेकिन ट्रेन में अव्यवस्था और बद इंतजामी के चलते कई श्रद्धालुओं को अपनी यात्रा कैंसिल कर ट्रेन छोड़नी पड़ी। बस्ती के कोतवाली इलाके में पति पत्नी के विवाद में पत्नी ने नदी में छलांग लगा दी। कई घंटों से गोताखोर महिला की तलाश कराई, लेकिन तेज बहाव होने की वजह से महिला का सुराग अब तक नहीं लग पाया है। औरैया के फफूंद में तेज बारिश के चलते कच्चा मकान भरभराकर गिर गया और मकान में लेटे 50 साल के वृद्ध की दबकर मौत हो गई। सहारनपुर के देवबंद नगर में सर्राफ की दुकान में घुसकर एक महिला करीब 32 ग्राम सोने के जेवर और 10,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। अलीगढ़ में 3 दिन पहले हुई नोकझोंक के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने डीएम का पुतला फूंका। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने डीएम को हटाने की मांग की। फिरोजाबाद में 2 दिन से लापता युवक का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जेसीबी की मदद से शव निकाला जा रहा है। अमेठी के जायज कोतवाली के उड़वा गांव में आग की चपेट में आने से एक वृद्ध महिला जो पूरी तरह से झुलस गई है, इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। शाहजहांपुर में बोरे में बंद एक बुजुर्ग की लाश बरामद हुई। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। रोजा थाना क्षेत्र के हथौड़िया गांव की घटना। गाजियाबाद के सिकरोड़ में एक बार फिर बिजली का तार टूटने की वजह से हादसा हो गया। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 2 नील गायों की मौत हो गई। ललितपुर में दबंगों ने एक महिला सहित 3 लोगों को कुल्हाड़ी से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शव कोतवाली के टपरीन गांव का मामला है। भदोही जिले के नेशनल हाईवे पर 2 भीषण जाम लगे हुए हैं। हाईवे पर यह जाम 35 किलोमीटर से लगा हुआ है। कांवड़ यात्रा के चलते हाईवे को वन वे किया गया है। उन्नाव में गंगा नदी उफान पर है। डीएम देवेंद्र पांडे और एसपी ने गंगा तटों का निरीक्षण किया। कटान को रोकने के लिए कई टीमें लगाई गई। शाहजहांपुर में भारी बारिश के चलते स्टेट हाईवे पर पेड़ गिरे। हाई टेंशन लाइन भी टूटी है। जलालाबाद के स्टेट हाईवे का मामला। कानपुर देहात के कई गांवों में बारिश के चलते जलभराव हुआ है। बारिश के चलते ग्रामीणों का निकलना मुश्किल हुआ है। आगरा में कैंट रेलवे स्टेशन से जीआरपी ने 3 छात्रों को पकड़ा है। छात्रों के पास से लैपटॉप मोबाइल और नकदी बरामद। झांसी में अन्ना जानवरों से परेशान किसानों ने राजमार्ग को जाम कर दिया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खोला। अमेठी में चेकिंग के दौरान जामो पुलिस को सफलता मिली है। 1 किलो 250 ग्राम गांजे के साथ युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगरा के होटल में ब्रज क्षेत्र के सभी 16 जिलाध्यक्ष मोर्चों और प्रकोष्ठ की पूरी टीम विधायक और सांसद मौजूद है। मिशन 2019 की तैयारियों को लेकर क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत महेश्वर प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने महत्वपूर्ण बैठक की। फरुखाबाद में 48 घंटे से हो रही तेज बारिश के चलते केला खरीदते वक्त छत का छज्जा गिरने से युवक की मौत हो गई। केला दुकानदार और एक अन्य व्यक्ति सहित 2 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। सुल्तानपुर में दिनों दिन बढ़ रहे अपराध से नाराज हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पुलिस अधीक्षक का पुतला फूंका। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने बीओबी बैंक में सैन लगाते हुए बड़ी चोरी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। बैंककर्मियों की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच शुरू कर।
हरदोई के जगदीशपुर शाहबाद मुख्य मार्ग पर करीब 50 मीटर सड़क पानी में बह गई। भीषण बरसात से आवागमन बाधित हुआ। लखीमपुर खीरी के बनबसा बैराज में लगातार हो रहे डिस्चार्ज से शारदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं शहर के मोहल्लों में भी लगातार बारिश से जलभराव हो गया है। उन्नाव में 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से नगर पालिकाओं की पोल खुल गई है। जगह जगह जलभराव होने की वजह से लोगों के घरों में घुटने तक पानी भर गया है। फरुखाबाद में मूसलाधार बारिश से शहर हुआ है जलमग्न। नगर पालिका की लापरवाही से लोगों के घरों में पानी घुस गया और लोग गंदे पानी में रहने को मजबूर हैं। लखनऊ में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के चलते लोगों के कामकाज भी ठप हो गए। राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया है।